अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा तैयार सूट है। इसमें हम आप लोगों को गला कटिंग बताएंगे। ये मेरा पान गला है और पीछे ये मेरा गोल गला है। दोनों का कटिंग बताएंगे किस तरीके से होगा, और साथ में ही इसका हम शोल्डर जॉइंट करना भी बताएंगे। शोल्डर जॉइंट बताएंगे। ये मेरा पान गला है, इसका कटिंग है कि बटर पेपर के साथ किस तरह लगा कर ये पान गला या गोल गला कटिंग होता है, या कोई भी गला कटिंग होगा उसका तरीका बताएंगे। शोल्डर जोड़ना बताएंगे। और ये मेरा बाजू है, बाजू में ये पट्टी लगाए हैं, पट्टी लगाने का तरीका बताएंगे। बाजू में हो या फिर ये दामन में हो, ये पट्टी लगाना कैसे लगाएंगे इसको भी हम बताएंगे। अब ये रहा मेरा बटर पेपर, ये बटर पेपर है, ये पक्का 8x8 का हम काट के रख लिए हैं। इस तरह करके इसको चिपका देंगे। पहले ये मेरा चिपक चुका है, ये देखिए ये चिपक गया है। और इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। बटर पेपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, इस तरह करके यहाँ पे इसको रख देंगे और यहाँ पिन अप कर देंगे। एक यहाँ लगा देंगे और एक यहाँ पे पिन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हो गया। अब हम मेरी गली की चौड़ाई है 2.5 इंच, यहाँ से हम गली की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच। गली की लंबाई है मेरा 6 इंच और हम लेंगे 7 इंच, 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। गला पान गला और भी गला में गली की लंबाई 1 इंच ज़्यादा लेना होता है तब, नहीं तो छोटा दिखेगा। 1.5 इंच यहाँ लिए हैं इसका शेप देने के लिए। यहाँ से इस तरह शेप देंगे गोलाई करते हुए, यहाँ 1.5 इंच पर से टच करते हुए पान गला का शेप दे देते हैं। ये हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मेरा कट चुका है, पिन निकाल देंगे। अब यहाँ से 1-1 इंच पर हम निशान लगाते चले जाएंगे शेप में। यहाँ से भी शेप लेते हुए इसको गोलाई में मिला देंगे, शेप दे देंगे। अब इसको हम काट देंगे, कट कर देंगे। इस तरह से ये गला के पट्टी को, इस सूट का जो पान गला कट गया इसके ऊपर बिठा करके दोनों कोना को बिठा के यहाँ पर फिक्स कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देंगे। अब यह मेरा पीछे का गला है, पीछे का गला का ये बटर पेपर है, इसके साथ इस कपड़े को चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ गला के साथ बिठा देंगे। सेम जिस तरह आगे का ड्राफ्ट किए थे उसी तरह रख करके इसको ड्राफ्ट कर देंगे और इस तरह से कैंची से काट देंगे। ये मेरा कट गया। ये मेरा आगे का गला का पट्टी है, इसको पहले हम इस तरह से मोड़ करके फोल्ड करके बीच में एक निशान खींच देंगे, लाइन खींच देंगे बीच का, ताकि जब हम सिलाई करें तो ये हमारा हेल्प करेगा, मेरा कोना टेढ़ा नहीं होगा। और हम इस गोलाई पर थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, इधर भी कट कर देंगे। अब उसके बाद इसका किनारा को मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ देंगे चारों तरफ। यहाँ पे आके थोड़ा सा एक लाइन खींच देंगे ताकि वहीं से मोड़ें और मेरा कोना अच्छा तैयार हो। ऐसे कोना बना के वहीं से उसको घुमा देंगे। इस तरह से पूरा तैयार कर लेंगे। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको काट करके हटा देंगे और इस कोने को सूट के कोने के साथ मिला के यहाँ पे पिन अप कर देंगे, पिन लगा देंगे और इसको गोलाई में अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। यहाँ पे ले जाके सुई को हम नीचे कर देंगे, फिर यहाँ से घुमा देंगे, घुमा के इस तरह से बैठा के फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे पूरा। हो गया। इस तरह हम कैंची से कोना काट देंगे इसका और गोलाई पर भी थोड़ा थोड़ा जगह जगह कट कर देंगे।
इस तरफ भी गोलाई पर कट कर देंगे, तो दो तीन जगह इस तरह से बैठ जाएगा। ये देखिए ये मेरा कोना जो है एकदम लास्ट तक काटे हैं, एकदम लास्ट से धागा नहीं कटना चाहिए, तभी मेरा कोना अच्छा बैठेगा। इस तरह से मेरा तभी कोना अच्छा बैठेगा, अगर पूरा नहीं काटेंगे तो यहाँ कोना नहीं बैठेगा। वो ये ज़रूरी है एकदम काटना, धागा ही सिर्फ नहीं कटना चाहिए। इस तरह से इस पर चाप सिलाई डाल देंगे। ये हो गया, ये मेरा पानगला तैयार है। इसमें आयरन कर देंगे। मेरा पट्टी है, ये गला गोल पीछे का हो गया, इसमें बीच में टक लगाए हुए हैं और पट्टी में भी टक लगाए हैं, दोनों को मिला के यहाँ पर पिनअप कर देंगे। इस टक से इसको मिला देंगे, इस टक से इसको मिला देंगे और इस तरह से इसको पूरी सिलाई कर देंगे। लास्ट तक हो गया मेरा। अब गोलाई पर दो तीन जगह हल्का हल्का कट कर देंगे, दोनों साइड इधर भी काट देंगे। इसमें है ना किनारा हम पहले नहीं सिले थे, आगे के पट्टी में हम किनारा पहले सिल दिए थे, इसमें नहीं सिले। इसको अब अभी भी सिल सकते हैं, ये बाद में भी सिला जा सकता है। इसको हम मोड़ करके इसका किनारा सिल देंगे। सिल दिए ऐसे गोलाई में लेते हुए किनारा सिल दिए। ये मेरा गला का पट्टी हो चुका है। अब इस पर हम चाप सिलाई भी लगा देंगे, बैठाते हुए गला को अच्छा से शेप देते हुए घुमाते हुए गोल गोल घुमाते हुए। ये ध्यान रहे कि मेरा सिलाई वाला कपड़ा पट्टी के साइड रहे, करते हुए इसको हम पूरा चाप सिलाई दे देंगे। ये बिल्कुल बैठ जाएगा, इससे ना फिनिशिंग आता है। ये मेरा पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। आगे के पार्ट के पट्टी को बंद रखेंगे और पीछे के पार्ट की पट्टी को खुला रखेंगे और सिलाई को एकदम जस्ट बगल में रख के इसको यहाँ पे पिन लगा देंगे। अब दूसरे शोल्डर को भी इसमें आगे वाले पट्टी को बंद रखेंगे और पीछे वाले गले की पट्टी को खुला रखेंगे। इस तरह से बराबर करके यहाँ पर सिलाई के पास इसको बराबर रखेंगे और पिन लगा देंगे। ये हो गया, दोनों शोल्डर को बराबर करके और यहाँ से सिलाई करेंगे। इसे मोड़ेंगे इस तरफ, फिर इस तरफ मोड़ेंगे, फिर इसको इस तरफ से मोड़ के कि वो सिलाई अंदर चला जाएगा, उसमें फिनिशिंग आ जाएगा, शोल्डर के साइड से सिलाई दिखाई नहीं देगा। ये गोल गला मेरा बन के तैयार हो गया है। ये आगे का पान गला है और यहाँ पर इस तरह से, और ये मेरा पीछे का गला है। यहाँ पर पट्टी तैयार हो जाने के बाद इस पर हेम कर देंगे। अब हम बाजू की मोहरी का पट्टी तैयार करेंगे, दोनों साइड से मोड़ के आयरन कर देंगे। इस तरह से आयरन करके इस पट्टी को तैयार कर लेंगे। पहले तैयार हो चुका है पट्टी, अब इस पट्टी को हम बाजू पर लगाएंगे। उससे पहले बाजू को हम ऐसे एक सिलाई देके मोड़ लेंगे। मोड़ के ये मेरा उल्टा साइड है, इस तरह से मोड़ लिए हैं इस पट्टी को। अब सीधा करके सीधे की तरफ उसी पर, उसी मोड़ पर हम इसको जो तैयार करके रखे हैं पट्टी को, यहाँ पर बिठा करके बाजू का किनारा और पट्टी का किनारा को बराबर करके उस पर हम सिलाई चला देंगे। पहले बराबर से सिलाई चला देंगे, पट्टी में ज़रा भी खिंचाव नहीं आनी चाहिए। इस तरह से बराबर करते हुए दोनों को सिल देंगे। अब फिर इसी तरह से यहाँ पर बिठा के फिर यहाँ थोड़ा सिलाई करके इसको वहीं से घुमा देंगे। इस तरह से बराबर करके सिलते चले जाएंगे, तो इसी तरह लास्ट तक सिल देंगे। हो गया, और ये बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा को भी कट कर देंगे। और ये मेरा इस तरह से हो गया मोरी तैयार। मोरी में पट्टी लग चुका है।
इस तरह से मेरे दोनों ही बाजू के मोहरी की पट्टी सिल के तैयार हो चुकी है। और ये मेरा दामन है, इसमें भी पट्टी हम लगा चुके हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।